वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कल बजट वाले दिन निफ्टी क्या कर सकता है टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग। आज का दिन बहुत ही ज्यादा ओकेश था, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेता है। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, एंड तक जरूर देखना। और हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आज के अपडेट सारे, नहीं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता कि उसके अंदर अच्छे अपडेट आते हैं। भाई क्यों इमोजी, भाई क्यों 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 सबसे पहले सुबह बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक क्रूशल सपोर्ट तोड़ा, वो क्रूशल सपोर्ट तोड़ते ही 250 पॉइंट्स बैंक निफ्टी गिरा, ठीक है। ये हमारा पहला अपडेट था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ये ट्राइंगल का सपोर्ट तोड़ने वाला था, बट हम लोगों ने क्या बोला, बट वी विल वेट फॉर अ कैंडल क्लोज फॉर फुल कॉन्फर्मेशन, और कैंडल क्लोज नहीं हुई तो सपोर्ट नहीं टूटा और वहां से हमको बैंक निफ्टी का बाउंस दिखा, तो यहाँ पर जो आपको बताया था। और क्या प्राइस था, 17,400 पर जब निफ्टी आया था इधर पे, तब आप लोगों को बोला था कि बुल्स का साथ यहीं तक का है, काफी मजा आया, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर। और वहां से निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे भी गिरा अपने टॉप से, बट स्टिल उतना वीक क्लोजिंग नहीं हुई जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे को लगा आज मार्केट में हाई तौबा मचने वाली है, हाई तौबा नहीं मची, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, वहां से मार्केट टूटता हुआ हम लोगों को जरूर दिखा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, कल बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिलने वाली है। मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप जाकर जरूर चेक करना। आज देखते हैं थोड़ा सा क्या हुआ। हम लोगों को गाइस बड़े टाइम फ्रेम पर एक बियर फ्लैग दिख रहा था, राइट, ये आप लोगों को पिछली वीडियो में याद होगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आकर देखे तो मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने स्ट्रेट अवे गैप अप ओपन दे दिया। गैप अप ओपन बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं बियरिश था। मैं बियरिश क्यों था गाइस, एक तरह से आप इसको स्पेसिफिकली, बहुत छोटा सा लॉजिक दे रहा हूं आपको, एफआईज सेल कभी नहीं करते हैं, बट पिछले 3 दिनों में, मतलब आज से पहले, रोज 5,000 करोड़ की सेलिंग, छोटा सेल नहीं है, बहुत बड़ा सेल है। 3 दिन के अंदर 15,000 करोड़ से ज्यादा एफआईज ने सेल कर रखा है, और प्राइस एक्शन में वो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब वो एक दिन दिखेगा और वो तगड़ा दिखेगा, मतलब कि एक दिन 1,000 पॉइंट और दैट्स इट, ठीक है। तो एफआईज ने इतना सेल किया हुआ है, नेट बहुत बड़ा अमाउंट है इन टोटल जनवरी जो वो सेल में बैठे हुए हैं, और हम लोगों को इंडेक्स पर उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा गाइस, तो दैट्स व्हाई, दैट्स वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को बियर फ्लैग दिख ही रहा था, बट मार्केट ने गैप अप ओपन लिया। चलो गैप अप ओपन लिया कोई बात नहीं, बट हमारा ये जो ऊपर वाला ये जो रेजिस्टेंस है मैंने आप लोगों के लिए बना रखे, इसको आज भी ये नहीं तोड़ पाया। हर बार जितनी बार रिजेक्ट हुआ उस ही रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि हो सकता है हम लोग यहाँ नीचे इसको टेस्ट करके कहीं क्लोज हो बाउंस लेके, बट ऊपर रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ। नाउ इट कैन आइदर मीन टू थिंग्स फ्रॉम हियर। पहला मैं आपको केस बता देता हूँ गाइस, कल क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना इस बात को। 17,410 बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस बन गया अब मार्केट के लिए। कल मार्केट क्या कर सकता है, गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर, एक ऐसे लिखता है, गैप अप ओपन हुआ इसके ऊपर, हल्का सा साइडवेज मूवमेंट दिया, 17,500 तक गया, 17,500 से रिजेक्ट होके 17,400 से 17,000 और फर्दर उसके नीचे जितना वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। ये हम लोगों का एक केस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट, मैं अगर आप लोगों ने वो मेरी बजट डे वाले वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने पिछले 4-5 सालों का बजट डे एनालिसिस किया है कि मार्केट प्राइस एक्शन में कैसे करता है, कैसे ट्रैप करने का ट्राई करता है, मार्केट यही करता है कि जिस भी साइड एक अच्छा मूव आने वाला है उसके ऑपोजिट साइड जाके पहले स्टॉप्स काटता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अभी भी मार्केट आज ऊपर गया, कल भी मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है और वो वहां पर स्टॉप्स को ही हंट करेगा, स्टॉप्स कटेंगे, स्टॉप लॉसेस कटेंगे, वहां पे लोगों की पोजीशंस कटेंगी, तो फिर वहां से हमको मार्केट नीचे आता दिखेगा। तो ये हम लोगों का गाइस केस नंबर वन है, 17,410 के ऊपर गैप अप खुल के 17,500 जाके वहां थोड़ा बहुत झूम झाम के और 10:30 बजे हमको 17,400 वापस टूटेगा, तो मैं इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा जब 17,400 मेरे को टूटता हुआ दिखेगा कंक्रीट वे में, ठीक है। अच्छा, आज के दिन आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि पुट्स के प्राइजेस नहीं गिर रहे थे। निफ्टी मैंने 17,260 ये वाले लो से ऑलमोस्ट पूरा हाई जाते हुए देख लिया, पर निफ्टी की 17,000 की पुट गाइस 100 रुपए से 95 की नहीं हुई, वो 100 से 108 110 की ही हुई।
इतना सब कुछ होने के बाद भी तो पुट्स के अंदर डीके नहीं था, रादर वो जो भी था बहुत अनयूजुअल था। अच्छा, इसके अलावा हम लोग को एक छोटा सा राइजिंग चैनल देखने को मिल रहा था, जो कि टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया, तो यहां से इसको कुछ ऐसा करना चाहिए था अगर मार्केट खुला होता तो। ठीक है, सेकेंड केस गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये केस हम एक्चुअल में बुलिश केस लेके चलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे ही टूट जाए। मेरा बायस है नीचे का, कोई बात नहीं, अगर हमारा ऊपर का लेवल टूटेगा तो हम ऊपर का ट्रेड भी ले लेंगे। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ऊपर का लेवल लेकर चलेंगे। ठीक है, और वो ऊपर का जो लेवल होगा वो होगा हमारे पास हल्का सा अनयूजुअल, ताकि हम, अब देखो कल के दिन पोजीशन सब बनाएंगे पर स्टॉप लॉस जो पहले बचा जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना पॉइंट ही ऐसा रखेंगे कि जिसके ऊपर हमको स्टॉप हंट मिले ही ना। तो कल के दिन के लिए आई थिंक हमारे पास जो लेवल निकल कर आना चाहिए वो आता है 17,610 का, जिसके ऊपर मैं सेफली बोल सकता हूं कि अगर 17,610 टूटा तो मैं बियरिश नहीं हूं। ठीक है, तो फिर ये है कि जी हाँ, हमारा नीचे का व्यू गलत था, 17,610 टूट गया, कॉल खरीदे। तो ये जो है कल के लिए मेरा एक्चुअल बुल लेवल है, और यहां पर मैं आपको बियर लेवल 17,400 का ही दे रहा हूं, बट ये मैंने आपको बियरिश सिनेरियो बता दिया कि क्या हो सकता है। दोनों साइड से, दोनों तरफ से मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए। गैप अप खुल के कंसोलिडेट करके या तो एकदम से टूटेगा या एकदम से भागेगा। ज्यादा चांसेस मेरे को अभी भी नीचे के लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्टॉप फंड आज का ये पूरा दिन जो था साइडवेज यहाँ पे रख के टिका के ऊपर पोजीशंस बनी है नीचे की, और लॉन्ग्स के स्टॉप्स भी कटेंगे और कल भी कटेंगे। ठीक है गाइस, तो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, पीस आउट।